बस इसे लगाने की देर है और आपके काले गर्दन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, भंडार टीवी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका, जो नुस्खा बताने वाला हूँ, उस नुस्खे की मदद से आप अपने काले गर्दन की समस्या से बहुत तेजी से छुटकारा पा सकते हैं। और दोस्तों, पहले बता दूं, ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। पहले पार्ट में आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपनी गर्दन को सही तरीके से साफ करेंगे, जिससे पहले ही पार्ट में आपकी गर्दन का जो मैल है वो तेजी से निकलने लगेगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको मेन नुस्खा बताऊंगा, जो कि पहले पार्ट के बाद आप यूज करेंगे, रोजाना का रहेगा। जब भी आप इस नुस्खे को यूज करें, इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नुस्खा बनाने के लिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से कटोरी ले ली और यहाँ पर हमने लिया है रुई। फिर दोस्तों, यहाँ पर आपको चाहिए होगा कच्चा दूध, आपको चाहिए होगा इतनी सी मात्रा में रुई, और इस दूध में आपको जो इस रुई को डिप करना है। और ऐसा डिप करने के बाद दोस्तों, आपको इसे अपने गर्दन पे मलना है, जिससे आपकी गर्दन का कालापन खत्म होने लगेगा। दोस्तों, पहला प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड स्टेप पे आना है। उसके लिए आपको चाहिए होगा इस प्रकार से एक नींबू। दोस्तों, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे जो स्किन होती है वहां के डर्ट पॉल्यूशन को खत्म करने में मदद करेगा, साथ ही साथ हमारी स्किन को गोरी बनाएगा। तो यहाँ पर जो नींबू है दोस्तों, इसको क्या करेंगे हम कि इस प्रकार से आधा जो है काट लेंगे। आधा इस प्रकार से काटने के बाद दोस्तों, यहाँ जो आपको लेमन है इसे लेना है, वो भी शक्कर के साथ। तो इस प्रकार से हमें कटोरी ले लेंगे और यहाँ पर हम जो है थोड़ी सी मात्रा में शक्कर डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेमन रहेगा इस शक्कर में हम इस प्रकार से डिप करेंगे, और डिप करने के बाद हम इसे जो है अपने गर्दन पर इस प्रकार से स्क्रब करेंगे। और दोस्तों, ये चीज जो है आपको लगातार करती रहनी होगी, लगभग 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद दोस्तों, आपको इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इसी प्रकार से छोड़ देना है। और इसके बाद दोस्तों, आपको जो है इसे धो लेना है ठंडे पानी से। और दोस्तों, इस नुस्खे को आपको हफ्ते में कम से कम 4 या 5 बार यूज कर लेना है, जिससे आपकी जो है गर्दन का कालापन बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। ज्यादा समय की बात करूं तो सिर्फ 1 महीने में आपका जो है ये काली गर्दन की समस्या समाप्त हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से जो है काली गर्दन की समस्या से छुटकारा पा पाएंगे। अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी जानकारी मिले कि आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का हमारे वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।